ओ वेलकम माई बैक टू यूट्यूब अनदर वीडियो। और किधर सारे आइयो पाप मस्त हो गए, चका चक हो गए भाई। हम जा रहे हैं श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए, और आज अभी हैं गोविंद धाम में, और आप जा रहे हैं सीधा श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए। और देखो बहुत ज़्यादा पब्लिक जाने लग रही है, बहुत ज़्यादा पब्लिक। उधर से आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, हमें दिखा रहा है, उधर से बहुत पब्लिक जा रही है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। प्रियर अपना गोविंद धाम गुरुद्वारा, और फिर चलते हैं अपन नीचे मत्था टेक के, चलते सीधा ऊपर करते बाबा जी के दर्शन। सो भाई कर लो बाबा जी के दर्शन, फिर चले आप श्री हेमकुंड साहिब में यात्रा के लिए। ये देखो पहाड़ी, और बहुत ज़्यादा क्राउड है जी, बहुत ज़्यादा भीड़ है जी, बहुत श्रद्धालु जान लगे हैं, ऐसे भी चले हैं। सो भाई गोविंद का अंदर कर लो आखिरी बार दर्शन। ये देखो कितना ही बढ़िया लग रहा है, ऊपर देखो श्रद्धालु कितने जान लगे। तो भाई इधर तो झरना देखो कितना ही बढ़िया लग रहा है, ये देखो सामने कितना ही बढ़िया लग रहा है झरना, और इधर से श्रद्धालु जान लग रहे हैं, और नीचे भी बहुत आ रहे हैं ये देखो। तो इधर से देखो झरना कितने ही पास से दिखाई दे रहा है, और श्रद्धालु चढ़ने लग रहे हैं। क्या हो गया? तबीयत खराब हो गया हमारे मामा की। और नीचे देखो श्रद्धालु और आने लग रहे हैं, जितने ऊपर गए उतने ही आने लग रहे हैं, और हम भी चढ़ रहे हैं। हमारे साथ के कुछ आगे चले गए, दो भाई पीछे रह गए, अभी चलो हम भी करते हैं। और इधर देखो स्नो भी रखी है, ग्लेशियर ना नीचे झरने के नीचे ग्लेशियर रखा हुआ है। जैसे जैसे हम चढ़ाई पर चढ़ते जा रहे हैं, और हमारे पास झरना आता जा रहा है, झरने की हल्की हल्की बूंदें भी आ रही है, ठंडी ठंडी लग रही है, बहुत ही प्यारी। ये देखो झरना बहुत ही बड़ी लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। नीचे ग्लेशियर भी रखा जमा हुआ है, और ये देखो श्रद्धालु आने लग रहे हैं। कोई भाई जो नहीं चढ़ सकते उनने कर लिया खिच्चर, और जो चढ़ सकते हैं वो पैदल यात्रा कर रहे हैं। सो भाई ये देखो ये शॉर्टकट लगाने लग रहे हैं, और ये वाला शॉर्टकट आप बिल्कुल मत लगाओ जी, पहाड़ों में बहुत रिक्सी काम हो जाता है, जो कि डोंके लगाते हैं, अगर गिर गया ना बाय चांस नीचे जाके सीधा खाई में मत ना मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं सीधा जो रास्ता दिया हुआ है उसी रास्ते चलते जाओ, छोटे छोटे स्टेप चलते जाओ। सोने वाले सो भाई ये देखो शॉर्टकट लगा रहे हैं, लग रहे हैं इधर से शॉर्टकट, जो रास्ता इधर से दिया हुआ है पब्लिक शॉर्टकट लगाने लग रही है, बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत। बंदा गिर जाए ना तो रिक्सी काम है, तो नीचे ही जाके मिलेगा, बहुत ज़्यादा लग जाएगी। और आप सीधे आओ, छोटी छोटी स्टेप रखते आओ, वो देखो जी कितना रिक्सी काम दे रहे हैं उधर से अंदर से जंगल में से, ये देखो उधर से देखो ये आने लग रहे हैं, बल्कि पेड़ और ज़्यादा भर जाएंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इससे बढ़िया आप जो कि रास्ता दिए इससे होले होले इसी से चलते रहो, और छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं भाई, मेरा तो यही है कि इधर से मत आओ, देखिए शॉर्टकट पकड़ने लग रहे हैं, बहुत गलत है ये, बहुत ज़्यादा गलत है, इससे बढ़िया ऊपर चल दो। और अभी ना मौसम हो चुका है एकदम साफ, देखो धूप भी आ चुकी है, ऊपर गुरुद्वारा जी में भी धूप आ चुकी होगी। अभी चलते हैं, थोड़ा सा आराम लिया था, रेस्ट लिया था, संगत आने लग रही है, कुछ जाने लग रही है, जाने तो नहीं लग रही अभी, तो आने रही है। सो भाई गांगरिया गांव देखो कितने नीचे रह गया, वो देखो थले जड़े नीचे नीचे पलड़ दिखाई दे रहे हैं ना, छोटे छोटे रिवर दिखा रही है, वो गांगरिया गांव काफ़ी चढ़ाई चढ़े हैं हम, ये ऊपर देखो काफ़ी और बची है।
भाई अभी हम ग्लेशियर पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। ये देखो इधर से ग्लेशियर पॉइंट शुरू हो जाता है और थोड़ी दूर रह के ऊपर देखो निशान साहब दिखाई दे रहा होगा उस चोटी पे, तकरीबन 2-1 किलोमीटर है। और फिर चल रहे हैं आगे और ग्लेशियर के नीचे से पानी जाने लग रहा है। ये देखो ये सारा ग्लेशियर है जो व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहे हैं ना, बर्फ है ये सारी। अब कहाँ गया ये और ये देखो ग्लेशियर पॉइंट है पूरा, और ग्लेशियर पॉइंट पे धूप आ चुकी है तो इधर सब बर्फ पिघलने लग रही है। ऊपर थोड़ी बहुत दूर है तकरीबन 2-1 किलोमीटर श्री हेमकुंड साहिब दरबार साहिब, और वो नीचे से आए हम बिल्कुल नीचे से। तो ये देखो ग्लेशियर पॉइंट और नीचे संगत देखो कितनी आने लगी है, बहुत ज़्यादा संगत आ रही है। ये देखो ऊपर भी बहुत ज़्यादा संगत है जी। पूरा ग्लेशियर पॉइंट है, ग्लेशियर की सीढ़ियां बनी हुई है। ये देखो ऊपर पूरी ग्लेशियर वहां तक। तो गाइस पहुंच चुके हैं सीढ़ियां तक। ये देखो सीढ़ी के पास में कितना तगड़ा झरना आता है, ये झरना है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आ रहा है। भाई ये हमारे साथ करने एक बंदा खिच्चर पे बैठ के आया, भाई देखो खिच्चर बैठ के आया ना। फिर किस मम्मी ने क्या बोला था, नहीं यार मैं खिच्चर से नहीं बैठ के आया। खिच्चर तो बैठ के आया भाई, नहीं यार अरे खिच्चर तो बैठ के आया यार, मेरे सारे खिच्चर किराए पे पानी फेर दे मैंने, खिचड़ी तो बैठ के आया गधे तो बैठ के आया गलत बैठ के आया ना सच्ची दस दे। सो भाई सीढ़ियों पे देखो अर्जुन की कैसी हालत हो चुकी है। ये देखो मजा आ रहा है, थोड़ा स्पीड लगा के दिखाओ। चलो 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 चलते रहो, देखता हूँ कितनी देर मजा आते हैं आपको। चलो 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 सो भाई आधी दूर तक पहुंच चुके हैं और देखिए निशान साहब तक, ये रहा ऊपर निशान साहब, बस थोड़ी 10-15 मिनट का रास्ता रह गया, उसके बाद करवाएंगे आपको श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन। चलो जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु। तो ये देखो हम आए हैं सीढ़ियों के रास्ते पे और पब्लिक प्लेन रास्ते से भी आ रही है, वाला प्लेन रास्ता है जो कि ये लंबा 3 किलोमीटर से घूम कर रहा है, भी आ रही सीढ़ी वाला रास्ता। जैसा करे तैसा उठिया अपना खेल या करने हार, दूसर कौन कहे विचार जिसनो कृपा करे तिसे अपन नाम दे, बड़ पागी से। भाई फाइनली पहुंच चुके हैं हम श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे, और देखो नीचे द व्यू, और ये देखो अगर व्यू मेन गेट। नाम के धारी चलो जी चलो 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 नाम के धारी कर कृपा जी अपने नाम लाए, गुरु के पर में सो जंगत पाए, रूप साथ जा कथा तो स्थान, सुख
ਆਪਕੀ ਉਦਾਹਰਣ आप पहले चलते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद अंदर के आपको दर्शन करवाएंगे। चलो पहले बाहर से दिखाते हैं आपको। ये देखो बहुत ज़्यादा भीड़ और बर्फ़ देखो चोटियों पे कितनी ही ज़्यादा है। और इधर भी देखो बर्फ़ रखी हुई है गुरुद्वारा साहिब में। सफाई और इधर भी हट जाएगी थोड़ी बहुत देर में। ये देखो अरे खाली हो गया, कोई बात नहीं। ये देखो जी करो जी दर्शन श्री हेमकुंड साहिब जी के। सो अभी मौसम बहुत साफ हो रहा है, एकदम साफ धूप आ रही है। और ये करो श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन। देखो स्नो भी रखी, इधर बर्फ़ भी रखी हुई है ग्लेशियर। और चलते हैं अभी सरोवर पे स्नान करते हैं जी, और उसके बाद चलेंगे अंदर और करवाएंगे दर्शन। भीड़ देखो कितनी ज़्यादा, क्राउड देखो कितना ही ज़्यादा, कितना ही ज़्यादा। करो भाई दर्शन सरोवर जी दे और अपने निशान साहिब जी दे। देखो जी क्राउड देखो कितना ही ज़्यादा, कितनी ज़्यादा भीड़ है जी। भाई ये रहे अपने साथ के बंदे जो कि स्नान करे आए, हम रह गए थे पीछे आप पहुँचे। हाँ भाई करे आए स्नान भाई। हमसे पहले आ गए। तो कैसे लगा? पहले मैं आया था भाई। कैसे लगा? पानी में जाने के बाद से कुछ काला काला हो गया। पानी मारी और जो बोले सोने हाल लड़के स्नान करके चल रहे हैं अंदर दर्शन करें। जब वीडियो अलाउ हुए तब जरूर आपने दिखाएंगे, अंदर वीडियो बनाना अलाउ हुआ था। सो भाई ऐसे देखो हेमकुंड साहिब सरोवर के नाल बैठे हुए जी। ये देखो जी कितना ही बढ़िया लग रहा, कितना ही ज़्यादा बढ़िया। और इधर मंदिर है श्री लक्ष्मण मंदिर। ये देखो पीछे, अभी इसमें जाएंगे, आपको भी दर्शन कराएंगे, हम भी करेंगे। और उसके बाद सरोवर के
इस कोने पे आगे जहाँ पे बाइक खड़े, इस कोने पे एक पंजे के निशान है, हमने देखे नहीं है कभी, सुना है, जाके देखते हैं आज। और देखो कितना ही बड़े लग रहा है इधर का व्यू, अपने एक भाई मिले, देखो जी ये भाई यूट्यूबर है, उत्तराखंड वाला एक्सप्लोरर। और क्या हाल भाई जी? बहुत बढ़िया है जी, बहुत संगत आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, यात्रा बढ़िया चल रही है, मौसम अच्छा है, संगतों से भी मुलाकात होती है और उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये मेरे लिए बहुत बढ़िया। भाई ना मतलब इधर ही रहते हैं तो भाई पूरी जानकारी बता देते हैं जितना भी ए टू जेड, मैं शुरू से इनको भाई को देख रहा हूँ, जब भाई के ना 2000 सब्सक्राइबर थे जब से देख रहा हूँ, कम से कम 3 साल हो गए भाई को देखते देखते, 3 साल हो गए थे पहले मिले थे और अब इस बार फिर दोबारा मिले, मैंने सोचा था कि भाई से जरूर मिल के आऊंगा तो आज फिर मिल गया भाई। थैंक यू जी, थैंक यू भाई, की भाई को भी सब्सक्राइब करना और मुझे okay. देखो ग्लेशियर से मजे लेने लग रहे हैं ये, देखो मामा जी ये गलत बात है, गलत नहीं है, गलत बात है, ये गलत बात है, नहीं बहुत ज्यादा गलत बात है। ये जी लक्ष्मण मंदिर जो कि श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के जस्ट पास में है, पीछे जी बैक के साइड में। और ये देखो जी लक्ष्मण मंदिर, धंधे में व्यापार में तरक्की देता है, तो कितना बढ़िया बना रखा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सिद्ध किए हुए वास्तु यंत्र। पावन स्थान के हाथी को समाप्ति है, जिसमें दरवासा बैठी है, नेड़े सभी तरह गुरुद्वारा गोबिंद धाम साहब में चल पाओ, अपने मोबाइल कैमरे कैश कैश संभाल कैश हो किसी भी माया दे किसी प्राप्त करो, गिर के माया दे चक्कर के सुख लो, ते जिहड़े वीर चक्कर पूर्व खिंच रहे हैं उन्हां दे चक्करां विच बड़ी गुणवत्ता सर बेनती है, फोन बंद रखो। अब चले नीचे के लिए गोविंद धाम के लिए और आखिरी बार कर लो श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन, देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, कितना ही प्यारा लग रहा है जी। ये जी सरोवर इतना भाई वापिस के लिए जा रहे थे और इस रास्ते में देखो स्नो है, ये ब्लैक स्नो है, ये भी गिरता देखो पैर फिसलता है इस पे चलने पे, ब्लैक स्नो है भाई है ना, ये देखो ये रिफ्ट है, आराम से भाई आराम से, ये देखो।